हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ जिस चीज़ का मैंने इतने दिन से वेट किया, आज वो मुझे फाइनली मिल गया है। तो मैंने ये चीज़ ऑर्डर की थी, तो पहले आप देखें इसको क्या है, प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखना, तो शायद आपको भी ये चीज़ काम आने वाली है आपके आने वाले वक्त में। तो ये देखें आप। तो गाइस, ये है वो चीज़, ये आप देख सकती हैं बॉक्स। तो इस बॉक्स को खोलने के लिए एक कटर जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही खोलेंगे तो मे बी कट कहीं और भी लग सकता है। तो आपके सामने मैं इसको अनबॉक्स करूंगा आज, ऐसे बड़े आराम से खोलना गाइस, क्योंकि इसमें बहुत ही कीमती चीज़ जो है, वो बहुत ही कीमती चीज़ गाइस, ये आप देख सकते हैं। और ये कुछ ऐसा है गाइस, सॉरी लेफ्ट साइड, ये ऐसा है कुछ, तो मैं साइड पर रख देता हूँ। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं, फाइनली मेरी जो चीज़ है वो मुझे मिल गई है, मोनो का USB पॉडकास्टिंग माइक्रोफोन सेट। गाइज, ये बहुत ही उम्दा चीज़ है। अब देखता हूँ मैं इसको खोल के, कहाँ से होगा गाइज, यहाँ से इसका सिस्टम खोलने का। वाओ गाइज, देखिए आप गाइज, ये मैंने ऑर्डर किया था जो मुझे आज, ये इंस्ट्रक्शन बुक है, आपने कैसे यूज करना है क्या कुछ सब पढ़ भी सकते हैं आप, क्योंकि इसमें आपने इसको एडजस्ट भी करना है, कैसे करना है वो सब इसमें है, ध्यान रखते हैं गाइज। ये एक फिल्टर है इसके साथ, देख सकते हैं आप, खूबसूरत सा फिल्टर। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक फिल्टर है, इसको हम रखते हैं जरा साइड पे। सबसे अमेजिंग चीज़ जो इसका गाइज इसकी है वो है ये, ये है मोनो का पॉप फिल्टर, जो बहुत ही काम आने वाला है रिकॉर्डिंग में गाइज। ये भी हम रखते हैं साइड पे। और इसके बीच आप देख सकते हैं, वाओ दिस इज अमेजिंग, ये है एक शॉक माउंट, ठीक है, कभी भी आपका माइक जो है इसमें फिट होने के बाद कभी गिर नहीं सकता। और उसके बाद गाइज, ये इसका एडजस्टेबल थिंग है कुछ, और ये है इसके साथ आपका गाइज, देख सकते हैं टेबल, ये टेबल पे फिट होने वाला एक स्टैंड है, ठीक है, इसको सीजर स्टैंड भी हम बोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है सीजर स्टैंड, हम इसको बोलेंगे, ये बड़े इजीली ही फिट होगा हमारे इस पे। तो एक ये है, और उसके बाद ये है इसमें, और गाइस जो सबसे अमेजिंग चीज़ है ना वो है ये वाली, वाओ गाइस, सबसे अमेजिंग चीज़ जो है ना वो ये है, ये प्रोडक्ट बहुत टाइम से मुझे इसकी नीड थी, और फाइनली मैंने ये बाय कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं इसमें क्या है। ओ गाइस, इसके साथ है हमारे पास, ये है टेबल पे फिट करने के लिए आपको मिलता है, ऐसे कोई भी टेबल अगर आपके पास है उस टेबल पे आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है, ओके। और उसके बाद ये एक USB केबल है, खूबसूरती केबल। तो उसके बाद हमारे पास है गाइस, अरे ये छोटा सा स्टैंड, वाओ ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्टैंड है ये, इसमें तो इजीली ये एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके साथ कुछ बांधने के लिए है मोनो, देख सकते हैं इस पे लिखा है mono.com, sport@mono.com। तो गाइस ये हैं कुछ चीज़ें, ये है होल्डर, शॉक माउंट होल्डर, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे ऐसे तो ये खुल जाएगा, इसके बीच हमने माइक को रखना है गाइस, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे माइक को। तो गाइज पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको बता। तो गाइज आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऐसे एडजस्ट करना है, जो ये है ये आपका नॉब जो है ये टेबल के यहाँ पे रहेगा, यहाँ भी आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे रखना है इसको, और इसको अच्छे से यहाँ पे प्रेस कर देना, और ये जो है गाइज इसको आपने ऐसे करना है, इसके बीच आपने इसको ऐसे डालना है, ये देख सकते हैं आप, ऐसे इसको एडजस्ट किया, और उसके बाद इसको आपने ऐसे और ऐसे आप घुमा सकते हैं, ठीक है, इसको कहीं भी ज्यादा टाइट नहीं करना है, इसको इतना ही रखना है,
और उसके बाद गाइस ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे इसको आपने एडजस्ट करना है ऐसे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा इसको। अगर एक बात है कि ये पूरा फुल्ली, मतलब फुल्ली मेटल है पूरा, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप इसको अब इतना भी इसको रख सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं ये चीजें होगी एडजस्ट यहाँ पे, ये इतना ही मुंह के पास में जितना आपको जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद ये है जो हमारा पास, ये है हमारा माइक। इस माइक को हमने ऐसे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करके, और इसके बाद इसके रिव्यू इसको इसके बीच डालना है ऐसे। और ये देखें आप, ये कितने अच्छे से इसके बीच फिट हो चुका है। तो हम थोड़ा इसको पीछे भी कर सकते हैं ऐसे, अपने हम जैसे हमने, मतलब जितना हमारा मुंह रहेगा, मतलब जैसे हमारी आवाज के हिसाब से उतना ही हमने इसको अपने पास रखना है। फिर इसमें एक चीज और भी है, वो आप देख सकते हैं, वो ये चीज है, मैं दिखाता हूं आपको। एक चीज लगेगी इसमें, पहले हम ये लगा लेते हैं, ये इसका फिल्टर है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं इसी के साथ, बट मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका खुद का जो फिल्टर है वो मैं यूज करने वाला हूं, वो ये है मानो का ये वाला फिल्टर गाइस, ये ऐसे करके और ऐसे करेंगे हम इसको एडजस्ट। बहुत ही एडजस्टेबल चीजें हैं ये और बहुत ही मजेदार भी हैं ये चीजें। तो आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है, देख सकते हैं आप इसको, आप यहां पर एडजस्ट करें ये आपके साथ यह एडजस्ट होगा, और उसके बाद आपने इसको ऐसे रखना है फिल्टर के लिए। ये देखें आप, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा एडजस्ट। ओके, जितना भी आपको इसमें एडजस्ट करना है टाइट रखना है इसको, बट देखिए आप ऐसे हो गया एडजस्ट। और ये हम ऐसे करेंगे ऐसे, देख सकते हैं आप बिल्कुल फिटिंग में हो चुका है अब ये। तो अब हम इसकी चीजें करेंगे, अब हम थोड़ा इसकी चेकिंग करेंगे, चेक कैसे होगा, इसकी आवाज कैसे है, क्या है, ठीक है। इसको हम कैसे भी लगा सकते हैं, एक चीज हम इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसको ऊपर वाली साइड से भी हम इसको कर सकते हैं ऐसे एडजस्ट। सबसे मुझे लगता है इसकी परफेक्शन यहीं से इसकी ठीक रहेगी, क्योंकि ये देखो ये आ गया, इसको हम ऐसे भी करके माइक के साथ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। मगर ये मेरा कुछ सेटअप है, मैं दिखाऊंगा वो आपको कैसे सेट हुआ। ये है इसकी जो यूएसबी केबल, और ये हमने इसमें पुट करनी है ऐसे यहाँ पे, यहां से ऐसे इसमें डाल दिए गए, ये देखें आप। और उसके बाद ये हमारा कुछ ऐसा सेटअप तैयार हो चुका है। और अब इसको क्या करना है हमने कि यहां से लगाना है लैपटॉप के साथ, ये जो चीज आप देख सकते हैं ये वाली ना, ये लगाएंगे हम लैपटॉप के साथ, कनेक्ट करेंगे हम लैपटॉप के साथ। गाइस ये लैपटॉप के साथ हो गया, तो कुछ हमारा सेटअप ऐसा हो चुका है ये गाइस, देख सकते हैं आप। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा कुछ सेटअप। तो अब इसकी हम थोड़ा वॉइस चेक करके, तो उसके बाद इसका रिव्यू करेंगे कैसी इसकी आवाज है। तो गाइज मेरा कुछ सेटअप कुछ ऐसा तैयार हो चुका है, तो अब मैं देखता हूँ इस पे
अपनी आवाज़ को ट्राई करके कि मेरी आवाज़ इसमें कैसी है आती है। पहले तो इसका सेटअप कुछ ऐसा ही हो चुका है, तब इसमें अपनी आवाज़ को ट्राई करेंगे गाइस। आई होप कि आपको पसंद आएगा, देखते हैं इसको थोड़ा ट्राई करके, उसके बाद आपसे बात करेंगे इसके बारे में।